तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर खबर तस्वीरों के साथ एबीपी न्यूज पर आप लगातार सबसे पहले देख रहे हैं। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है और अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को सौंपने के लिए वो राजभवन पहुंच गए। खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके वो राजभवन तक पहुंचे मातोश्री से। हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर वहीं पर मौजूद है जो आपको वहां से अपडेट देंगे। कृष्णा, लेंगे उस फैसले में उनका समर्थन है, कार्यकर्ताओं में काफी दुख है क्योंकि पार्टी के तो शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप देखिए, यही वो गाड़ी है जिसके अंदर बैठे हुए उद्धव ठाकरे हाथ हिलाकर वहां लोगों का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया। उनके साथ वाली सीट पर यानी ड्राइविंग सीट के बिल्कुल बगल में उनके छोटे बेटे बैठे हुए थे और पीछे आदित्य। और ये महाराष्ट्र राजभवन जिसका गेट आप देख रहे हैं, मुख्य द्वार, यहीं से गाड़ियों का ये पूरा काफिला दाखिल हुआ है। और इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल को यहीं से उद्धव फिर मातोश्री का रुख करेंगे। दिलचस्प ये, महत्वपूर्ण ये कि अपनी गाड़ी खुद वो मातोश्री से ड्राइव करते हुए यहां तक पहुंचे। और कृष्णा ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, क्या अपडेट है वहां से, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक इस्तीफा सौंप कर आ जाएंगे वहां से उद्धव? जी अखिलेश, मैं आपको सीधे तौर पे तस्वीरें राजभवन की बताना चाहूंगा। अब से कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। पहले 9:30 बजे के दरमियान फेसबुक लाइव के जरिए भावनात्मक जो है वो संबोधन किया और उसके बाद फेसबुक लाइव के जरिए ही सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने की बात कही, साथ ही साथ विधान परिषद के पद से इस्तीफे देने की बात कही। उसके बाद से ही लगातार कयास लगाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे खुद आकर राजभवन में औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा, अब से कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे अपने दोनों बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे के साथ राजभवन में पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं और आप देखिए कि किस तरीके से न सिर्फ उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं बल्कि गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ पहुंचा हुआ है। हाथों में जो है समर्थकों के भगवे झंडे हैं, जय शिवाजी के नारे लगाते हुए। और जैसे ही उद्धव ठाकरे वहां से बाहर आते हैं वो तस्वीरें हम दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी। हाँ, कुड़िया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं,
क्यूरियोसिटी वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया. क्यूरियोसिटी. ABP News, आपको रखे आगे.